Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, grade 7. I hope all of you will be fine. Grade 7, it's your 10th lecture of English. So now open your book, page number 14. Topic No, page number 14. Topic No. हमारे पास एक पोएम है जिसका टॉपिक हमारे पास नो है, अबाउट द पोएट. सबसे पहले हम पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है. इस पोएम के पोएट का नाम थॉमस हुड था, जो कि 1799 में पैदा हुआ था एंड 1845 में उसकी डेथ हुई थी. ओके, वो लंदन में रहता था और एक बुक सेलर का बेटा था, ठीक है. उन्हें शुरू से ही एज अ यंग एज उन्हें राइटिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ था. उन्होंने 1815 में वो एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने काम किया. ओके, बाद में उन्होंने पोइम्स लिखना स्टार्ट की, कॉमिक वर्स, मजाहिया पोइमें लिखनी स्टार्ट की, ठीक है. उसके सीरियस पोइट्री की, जो कि आज भी याद रखी जाती है. ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स वी स्टार्ट. नो सन, नो मून, कोई सूरज नहीं, कोई चाँद नहीं. नो मॉर्न, मॉर्न सुबह को कहा जाता है. कोई सुबह नहीं. नो नून, कोई दोपहर नहीं. नो डॉन, कोई तलुए सुबह नहीं, ठीक है. डॉन तलुए सुबह. नो डस्क, कोई शाम नहीं. नो प्रॉपर टाइम ऑफ डे, दिन का कोई मुनासिब वक्त नहीं. नो स्काई, कोई आसमान नहीं. नो अर्थली व्यू, कोई अर्थी नज़ारा नहीं, कोई ज़मीन का नज़ारा नहीं. नो डिस्टेंस लुकिंग ब्लू, नीला दिखाई देता कोई मंजर नहीं. नो रोड, कोई सड़क नहीं. नो स्ट्रीट, कोई गली नहीं. नॉट अदर साइड द वे, कोई रास्ते की दूसरी तरफ नहीं. नो एंड ऑफ एनी रो, किसी तांगली का कोई सिरा नहीं. नो इंडिकेशन, कोई अलामत नहीं, कोई इशारा नहीं. फॉर द क्रिसेंट्स को, जहाँ के खमीदा गलियाँ कहाँ जाती हैं, किसी मीनार की चोटी पर. नो टॉप एनी स्टेपल, किसी मीनार की चोटी नहीं. नो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फेमिलियर पीपल, आशना लोगों की कोई पहचान नहीं. रिकॉग्नाइजेशन, पहचान. फेमिलियर, जानने वाले लोगों की कोई पहचान नहीं. नो कॉर्टिसिस ऑफ शोइंग, इन्हें दिखाने को कोई शाइस्ता बात नहीं. नो नाइंग एम, कोई इन्हें जानने का मौका नहीं. नो ट्रैवलिंग एट ऑल, कोई सफ़र बिल्कुल नहीं. नॉट लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन्स दैट हरकत करना, कोई हरकत नहीं. नो इंकलिंग ऑफ द वे, जाने का कोई रास्ता नहीं या रास्ते का कोई सुराग नहीं. नो नोशन, कोई ख्याल नहीं, कोई नज़रिया नहीं. नो गो, नो गो बाय लैंड और ओशन, जाने की जगह नहीं ज़मीन से या समंदर के रास्ते से. नो मेल, कोई खत नहीं. नो पोस्ट, कोई डाक नहीं. नो न्यूज़ फ्रॉम एनी फॉरेन कास्ट, किसी गैर मुल्की साहिल से कोई खबर नहीं. नो पार्क, कोई पार्क नहीं. नो रिंग, कोई रिंग नहीं. नो आफ्टरनून जेंटली, और कोई सा पहर की कोई शाइस्तगी नहीं. नो कंपनी, नो नोबिलिटी, कोई साथ नहीं, कोई मुअज्जज आदमी नहीं. नो वार्मथ, नो चीयरफुलनेस, नो हेल्पफुल एज, कोई हिद्दत नहीं, कोई खुश मिजाजी नहीं, कोई सेहत बख्श आराम नहीं. नो कंफर्टेबल फील इन एनी मेंबर, किसी अज़ों में कोई आरामदा एहसास नहीं. नो शेड, कोई साया नहीं. नो शाइन, कोई रोशनी नहीं. नो बटरफ्लाइज, कोई तितलियां नहीं. नो बीज, कोई शहद की मक्खियां नहीं. नो फ्रूट्स, कोई फल नहीं. नो फ्लावर्स, कोई फूल नहीं. नो लीव्स, कोई पत्ते नहीं. नो बर्ड्स, और ना ही कोई परिंदे हैं. नवंबर, थॉमस हुड. थॉमस हुड ने इस पोएम में नवंबर के बारे में हमें बताया है. नो यानी कि वो तब के दौर को आज के दौर के साथ मुंसलिक कर रहा है. तब उसने तब ये पोएम लिखी थी, मीन दैट के 1845 से पहले ये पोएम लिखी गई थी, 1850 के बाद, ठीक है. 1855 के बाद ये पोएम जो राइट की गई थी, लेकिन तब की ये पोएम आज के टाइम के साथ रिलेट करती है. आजकल हर किसी को अपने काम से मतलब है. कोई किसी दूसरे के, ना कोई दिन को एंजॉय कर रहा है, ना कोई मौसम को एंजॉय करता है, ना कोई एक दूसरे का हाल चाल पूछता है. कोई खुश मिजाजी नहीं है, कोई सेहत नहीं है लोगों के पास, कोई चमक नहीं है. लोग फूलों पर बैठी हुई तितलियों को नहीं देखते, शहद की मक्खियों को. लोगों को सिर्फ अपने काम का ध्यान है, ठीक है. लोगों को सिर्फ ज़िंदगी एक स्पीड से चलती हुई महसूस हो रही है. लोग कुदरत के नज़ारों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, ठीक है. और पोएट हमें यही बताना चाहता है कि जब नवंबर आता है,
ना तो कोई चिड़ियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, ना परिंदे होते हैं, ना फूल, ना फल, ना पत्ते, ठीक है, ना चमक, ना तितलियाँ, ना शहद की मक्खियाँ, ना साया, कोई भी चीज़ मौजूद नहीं होती। शायर हमारी तमाम ज़िंदगी को नवंबर से तशबीह देता है, सिमली यूज़ करता है। ओके स्टूडेंट्स, आपने इस पोइम को अच्छे से पढ़ना है, इसकी रीडिंग, ट्रांसलेशन, इसके डिक्टेशन और वर्ड मीनिंग आपको एज अ होमवर्क मिल जाएंगे, जिन्हें आपने अच्छे से याद करना है। आई होप यू गॉट इट। वी विल मीट अगेन इंशाल्लाह। टेक योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।